हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए, हमारा ट्रिप हो चुका है स्टार्ट। आ गए हैं फाइनली एयरपोर्ट। बोर्डिंग पास का बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया है। ओह, ये देखो, अभी इनकी नींद नहीं हुई है पूरी। सोया ही नहीं एक्चुअली। हाँ, ये सोया ही नहीं। ये एक्साइटमेंट ग्रुप से पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है। अच्छा, जितना ज़्यादा डर मुझे लगता है ट्रैवल करने में, उससे डबल डर मुझे इस बार लग रहा है, क्योंकि रूहान साथ में, क्या होगा। ओके, शायद पहली बार ऐसा कि मैं सोया हूँ फ्लाइट में। यूके की फ्लाइट बहुत अच्छी थी, बिल्कुल टर्बुलेंस नहीं था, बहुत अच्छी फ्लाइट थी। यूके अच्छे से सोया लैंड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफली, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी फ्लाइट थी। और यस, हम आ गए हैं अगस्त के बाद। मैं नवंबर के बाद। हाँ, आप नवंबर में आई थी, मैं अगस्त के बाद आ रहा हूँ। और सही वक्त पे आ रहे हैं, सही टाइम पे, रमज़ान से वेदर अच्छा है। रमज़ान से पहले 15 डिग्री है, अभी मैक्सिमम 22 है, 23 है, 15 लोएस्ट है। चलो अभी घूमते हैं, इस बार कितना घूम पाते हैं कितना नहीं घूम पाते हैं बिकॉज ऑफ रूहान। लेकिन सच में यार, बहुत अच्छे से सोया है ये। जितना उससे पहले तो इतनी टेंशन हो गई थी, क्योंकि एक बार मैं बैग भूल गया, एक बार ये अपना एलवी भूल गई वॉशरूम में, पता नहीं कहाँ पे। अरे बहुत क्यूट था वो जो मैनेजर से। मैनेजर बहुत क्यूस हुआ है यहाँ पे इस बार। और प्लस बीच में एक बार रूहान रो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम हमारा भी है, क्या करे क्या नहीं करे। बट एनीवेज, हो गया। एक बैग भूले तो उसके बाद दूसरा बैग भूले, पर लकड़ी दोनों मिल गया है। तो इसमें नहीं, आज हम दो बैग भूले हैं, हम एक बैग भूले हैं और लकड़ी तीनों मिल गए। इसको बांधेंगे सब पे, वो है ना।
घूमेंगे है ना। दीदी है आ गए हम घर आपके। एंड वी आर बैक अपनी जगह पे, वही सेम होटल सेम व्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली दीपिका को। नहीं, यही होटल यही व्यू चाहिए होता है। क्या है? ओ फॉर रुहान। हाँ वेलकम। अच्छा रुहान, हाँ रुहान का तो पहला ट्रिप है ना दुबई का, यहाँ से जाएगा। नाइस, ये देखो इसमें उसको डाल के लिटा सकते हैं, मूवेबल भी है, इसमें तो गिरेगा भी नहीं। सो क्यूट ना। क्या है वो रुहान? हेले हेले हो अच्छी अच्छी। हे रुहान अच्छी अच्छी कलर रोहन। ओ हलवा भी पीटू में ताकत है क्या? तो हम हो गए हैं रेडी, दिन में सो लिए हम सब अच्छे से, रोहन भी सोया, हम भी सोए है ना, अच्छे सो लिए, और अब हम रेडी हैं शाम को दुबई मॉल एक्सप्लोर करने के लिए। रोहन फर्स्ट टाइम है ना। हाँ चलो आज, चलो 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 चलते चलते चलते। बेटा आ रहा है तुम्हारा खाना, रुक जाओ। आज तो हमने बैग भूलने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया।
मैश पोटैटो इतना सारा खाओगे या रूहान के लिए मैश पोटैटो एंजॉय वेजी बनना क्या चाहते हो भाई बनना क्या चाहते हो टेस्ट पसंद नहीं आया उसका हमस और बात तो हमस ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट सेम थैंक यू पहला दिन नहीं दूसरा दिन एक्चुअली हमारा पहला दिन नेक्स्ट डे से शुरू होता है क्योंकि फर्स्ट डे तो हम ऐसे ही थके हारे होते फिर बस कल रात में आए थोड़ा सा ये जल्दी आ गई थी क्योंकि रुहान पे थोड़ा सा बीच में परेशान करने लगा था भाई अंकित अभिषेक थोड़ी देर बैठे हुए थे वहीं पर ऐसे फिर रात में आया फिर आके सो गए और परेशान मतलब परेशान ऐसा है कि आई थिंक पहला ट्रिप है रुहान का भी और हम जब बाहर निकलते हैं तो हम भी थोड़ा सा ऐसे हैसल हो जाते हैं बेचारा बच्चा है और एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रोया था वो नहीं दीपी एयरपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा रोया था और एक पल के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे स्पेशली और एक पल के लिए हमें लगा था जेन्युइनली हम दोनों को ये फील हुआ था कि शोएब कैंसिल करेंगे चले क्या और उस वक्त क्या हुआ कि मैं रुहान को लिए हुआ था उसको स्ट्रोल में घुमा रहा था एंड ये टिकट काउंटर पे थी अपनी बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट कर रही थी और अंकित अभिषेक के पास एक ट्रॉली थी एक ट्रॉली हमारे दीपिका के पास थी तो वहाँ से दो उसने दीपिका ने बोला कि दो बैग निकाल लेना एक रुहान का और एक मेरा बैग है इसमें थोड़ा बहुत सामान है रुहान का बैग स्पेशली तो वो निकाल के मैंने दूसरे ट्रॉली पे रखा और फिर मैं रुहान को लेके बिजी हो गया बेसिकली दो कैबिन बैगेज थे एक छोटा स्ट्रोलर था ब्लैक और एक रुहान का बैग था तो दोनों में सामान मोटा मोटा रुहान का ही था ब्लैक वाले में उसका खाना वगैरह शॉल वगैरह एंड वो तो फिर ग्रे वाला बैग तो फिर रुहान का ही था तो वो हाँ तो अभी वो सब हो गया और मैं भूल गया आई थिंक मैं कभी सामान ऐसे भूलता नहीं हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सामान वहाँ पे रख के भूल गया मैं भूला एंड जैसे इतना रश था ना एयरपोर्ट पे इतना मुंबई एयरपोर्ट पे इतना रश था ना पता नहीं कहाँ से लोग कहाँ जा रहे हमारी फ्लाइट तो पूरी फुल थी एयरक्राफ्ट था डबल डेकर पूरा टोटली पैक्ड हम लोग लिटरली सिर्फ वो बैगेज चेक जो करते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए हम लोग एक घंटा करे एक डेढ़ घंटा करे थे जो पूरा डेढ़ घंटा हम लोग लाइन पे खड़े थे विच वाज अ लॉट सो ये पहले और ये कल ही होना था जब ये बेचारे का पहला ट्रिप है वो वहाँ अलग परेशान हो रहा है शोएब बेचारे यहाँ मतलब शुरुआत तो वेरी ड्रामेटिक तो फिर अभी सिक्योरिटी चेक इन किया हम लोगों ने और अब जैसे उसके क्रॉस किए सिक्योरिटी इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे उससे पहले याद आएंगे क्योंकि यहाँ से रुहान को खाना रुहान को भूख लगी रुहान रोने लगा कि भूख लगी है उसे खाना उसके आई थिंक नोज ब्लॉक हो गई थी तो उसमें उसका वो नोज क्लीन करने का चीज़ें होती हैं एंड मैं बोल रहा हूँ कहाँ ये बोले ग्रे वाला बैग देना कौन सा ग्रे वाला बैग रुहान का उसके बाद तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ से हम जाएँ वो भी एक पॉइंट था कि हम आगे जाएं नहीं जाएं क्योंकि रुहान का खाना उसमें रुहान की सारी चीज़ें उसमें फिर जैसे तैसे करके एमिरेट्स के स्टाफ को वहाँ से बात की मैंने एंड देन सिनेरियो ऐसा था ना मैं अलग यहाँ पैनिक में हूँ क्योंकि रुहान रो रहा है शोएब वहाँ अलग पैनिक में घूम रहे हैं वो इरिटेट हो गए मैं भी इरिटेट हो गई रुहान नहीं चुप हो रहा ये मतलब वो पूरा ऐसा था लिटरली कि फिर साइड में एक जगह थी वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठ के जो है मैं रुहान को सेटल करा रही थी एंड शोएब बेचारे एकदम देख रही कि मैं क्या करूँ किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ भाग रहे हैं एमिरेट्स वालों को ढूंढ रहे हैं और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या क्योंकि पता नहीं आई थिंक रुहान के साथ मैंने ज़्यादा वक्त बिताया नहीं है इन साढ़े तीन चार महीने में जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू हुआ है
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं भी धीरे धीरे यूज्ड टू हो रहा हूँ। और जब पेरेंट्स बनने के बाद हमारा पहला ट्रिप है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर पैनिक कर जाता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, चीज़ें कैसी होंगी। बट फिर भाई एमिरेट्स का स्टाफ मिला, उससे बात करी, उन्होंने बात करी कि अब कोई बैग्स हैं क्या एमिरेट्स काउंटर के पास। तब तक CISF के लोग ना बहुत देर से रखा हुआ होगा तो उठा के ले गए थे। फिर वहाँ से फोटो आया कि ये बैग है क्या, और कन्फर्मेशन किया, देन फिर सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर उसके बाद हम वहाँ से जैसे तैसे आगे बढ़े। और ये इन दोनों का इमिग्रेशन हो चुका था, ये दोनों अंदर इमिग्रेशन के उस साइड थे। हमने तो ये भी प्लान बना लिया था कि अगर बैग नहीं मिल रहा है और रुहान नहीं सेटल हो रहा है तो इन दोनों को बोलेंगे भाई तुम लोग जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं। छुट्टी की सारी बुकिंग्स वगैरह तो हो चुकी थी, तुम लोग जाओ आराम से। बट ठीक है, जो हुआ और उसके बाद जब हम आगे बढ़े और फिर हमने थोड़ा सा मतलब इमिग्रेशन के बाद हम बोर्डिंग गेट की तरफ गए, वहाँ पे 5-7 मिनट थे तो हम बैठ गए तो रुहान तो कपड़े वपड़े चेंज कराए। बीच में एक शॉट होगा, आपने देखा होगा कि उसमें बिना कपड़े के वो टॉवल में ऐसे रैप है। फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई तो हम एरो ब्रिज बस जा रहे थे। जैसे बोर्डिंग एंट्रेंस पे जैसे ही बोर्डिंग हमने मतलब बोर्ड किया, हमने बोर्डिंग उसमें तो मतलब सब चीज थी, लाइक कार्ड्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स चीजें थी। और उस वक्त ही रियलाइज हुआ कि शायद अल्लाह नहीं चाहा कि हम जाएं अभी इस बार। होता नहीं कभी कभी आपको ऐसा, बट फिर मैं क्या करें, अब हम खड़े हैं यहाँ पे और अब हमें बोलने में भी शर्म आ रही है कि अभी तो एक बैग अभी तो हम दो बैग बोले, अब कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला बैग भूल गए। लेकिन सडनली पीछे से एक अच्छा मैनेजर थे, सूट वूट पे वो एकदम से आते हैं, बोलते हैं मैम सर, ये लीजिए सर, मैं आप भूल गए थे मैम आपको तो। और उस टाइम ऐसा था कि खैर चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। यहाँ का मौसम, जैसे मैं ऑलरेडी ब्लॉग में 3 बार बोल चुका हूँ कि मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का, सही वक्त पे आए हैं। रुहान भी अभी सेटल है, थोड़ा सा उसको बाहर घूमने की आदत ज़्यादा है नहीं, तो हम देखते हैं किसे किस तरीके से हम घूम सकते हैं, मकर बनाना हो जाएगा, बना के छोड़ना है। यस, तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तो खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी और करिए सही चीज़ अच्छे से, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। एंड बाय द वे, जो मैंने कल ब्लॉग डाला है वो 4 नंबर पर ट्रेंड करा, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू, लव यू, और जल्दी मिलते हैं बस।